जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों लड्डू गोपाल कान्हा जी का छोटा रूप है। बाल कान्हा जी घुटनों के बल चलते हैं, लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू होता है। क्या आपने सोचा है कि कान्हा जी को तो मक्खन और दही पसंद है, लेकिन फिर भी उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। दोस्तों ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास नाम के व्यक्ति थे। कुंभन दास का छोटा बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात वह श्री कृष्ण की पूजा करते थे, इसलिए वह अपना घर और मंदिर छोड़कर भी कहीं नहीं जाते थे। परंतु एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया। इस निमंत्रण को वो मना नहीं कर पा रहे थे। बहुत समय तक सोचने के बाद उन्होंने जाने का मन बना लिया। अपने छोटे बेटे को वह पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी दे गए। उन्होंने बेटी को कहा कि शाम को श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाना। पिता की कथा अनुसार शाम को रघुनंदन ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और प्रभु को थाली परोसी। लेकिन जब थाली परोसी तो उनके सामने कोई नहीं था। रघुनंदन ने सोचा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से खाना खा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि कान्हा जी उससे नाराज हो गए हैं। उसके रोने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और बाल स्वरूप धारण करके वह रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें प्रणाम करके भोग की थाली नीचे रख दी। रघुनंदन के द्वारा परोसा गया सारा प्रसाद प्रभु ने खा लिया। इसके बाद वह उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे कुंभन दास घर वापस आए तो थाली साफ देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खाना खा लिया होगा, परंतु रोज यही होने लगा। कुंभन दास ने देखा कि रघुनंदन उनसे ज़्यादा पूजा में दिलचस्पी ले रहा है। इसका सच जानने के लिए वह एक मंदिर की दीवार के पीछे छिप गए। उसके बाद कुंभन दास जी ने देखा कि जैसे शाम हुई रघुनंदन ने कान्हा जी की पूजा की और उन्हें भोग की थाली परोसी। जैसे उसने थाली परोसी भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए। कुंभन दास यह सारा दृश्य दीवार के पीछे से देख रहे थे। वो देखकर भाव से भर गए और कान्हा जी के चरणों में गिर गए। जिस वक्त कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरे, कान्हा जी के हाथ में लड्डू था। उसी रूप में उसी समय श्री कृष्ण भगवान वहां पर जड़ गए। गोपाल तो श्री कृष्ण को कहते हैं, परंतु उनके हाथ में लड्डू था, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। इसीलिए जन्माष्टमी पर उनके मनमोहक रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाने लगी।